अस्सलाम वालेकुम, दिस इज ज़ियाल हक, योर फिजिक्स इंस्ट्रक्टर एट nearpeer.org। अब इंस्ट्रक्टर तो सुन लेते हैं, लेकिन जब फिजिक्स का नाम जहन में आता है तो क्या माइंड में आता है? ये चीज डिपेंड करती है कि इधर वी लव फिजिक्स और नॉट। या यहाँ पर जो वर्ड मैं लव फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, दिस इज द बेसिक फैक्टर जो डिसाइड करता है कि आप कितनी प्रायोरिटी पे रखते हो, आपने चीजों को, सब्जेक्ट्स को किस तरह से प्रायोरिटाइज किया हुआ है। जनरल एग्जाम्पल की मैं बात करता हूँ तो फिजिक्स सबसे ज्यादा मुश्किल लगता है बच्चों को, नाइटमेयर फील होता है, नंबर कम आते हैं FSC में, मैट्रिक में, MD CAT में। सबसे बड़ा मसला पूछो क्या है? फिजिक्स समझ में नहीं आती। व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दैट? कभी आपने इस बात पे गौर किया है कि वो क्या वजह है कि हमें सिर्फ फिजिक्स ही समझ में क्यों नहीं आती? हमारी केमिस्ट्री बहुत अच्छी होती है, हमारी बायोलॉजी बहुत अच्छी होती है, हम इंग्लिश बहुत अच्छी पढ़ लेते हैं, एवरीथिंग, लेकिन फिजिक्स पे आके सब नीचे बैठ जाते हैं। तो अगर आप बात करते हैं, दो आपको पता है मेजर दो फैक्टर्स होते हैं आपके, इधर यू वांट टू बी अ डॉक्टर और इंजीनियर। जो इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट होते हैं उन्होंने मैथ्स पढ़ा होता है, उनकी फिजिक्स रिलेटिवली बेहतर होती है क्योंकि फिजिक्स ऑल अबाउट मैथ्स, काफी सारा मैथ है इसके अंदर, न्यूमेरिकल्स बहुत सारे हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत सारी चीजें हैं, तो उनकी रिलेटिवली बेहतर होती है। लेकिन जब हम बात करते हैं प्री मेडिकल के बच्चों की, तो बस वहां पे सबका बेड़ा बैठ जाता है। होता क्या है, उन्होंने मैथ से जान छुड़ाने के लिए पहले प्री मेडिकल रखी हुई होती है, और प्री मेडिकल में जब आके फिर से फिजिक्स सामने आ जाती है, न्यूमेरिकल सामने आ जाते हैं, तो एक तो माइंड सेट ही होता है कि भाई मैंने कौन सा मरीजों के पुर्जे ठीक करने हैं जाके, मैंने कौन से उनके पेज कसने हैं जो मुझे फिजिक्स पढ़नी है वहां पे, तो मुझे बायोलॉजी पढ़नी चाहिए। आप बायोलॉजी को प्रायोरिटी पे रखते हो, बायोलॉजी बहुत अच्छी हो जाती है। केमिस्ट्री में भी बाद में कुछ मेडिसिन के साथ खेलना पड़ता है, तो केमिस्ट्री भी ऑटोमेटिकली अच्छी है। सो डिड यू रियलाइज द थिंग दैट मेक्स योर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी गुड, दैट इज योर प्रायोरिटी, क्योंकि आप उसे दिल से समझना चाहते हो, और फिजिक्स क्योंकि आपको लगता है कि हमारे काम की ही नहीं है और आप इसे समझना ही नहीं चाहते, दैट्स व्हाई फिजिक्स सबसे मुश्किल लगती है, सबसे बोरिंग लगती है, कि आपको पता है कि ये बाद में हमारे काम नहीं आने वाली। लेकिन यही चीज जो आपके माइंड में है कि बाद में हमारे काम नहीं आने वाली, तो आपको पता है कि MD CAT के अंदर जब आप डॉक्टर बनने जाते हो तो सबसे ज्यादा किस सब्जेक्ट की वजह से आपका मेरिट नहीं बन पाता, दैट इज फिजिक्स। तो इसलिए डॉक्टर बनने के बाद आपको क्या कुछ करना है, उससे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि उस स्टेज तक पहुंचने के लिए कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है। सो हियर वी गो विद फिजिक्स। अब फिजिक्स इज नॉट ओनली अ सब्जेक्ट, फिजिक्स इज समथिंग यू नीड टू गेट इन, यू नीड टू लव इट। और आप लव करोगे, एक्चुअली आप लव करोगे जब आपको चीजें इतनी स्मूथली समझ आना शुरू हो जाएंगी। और समझ कैसे आएंगी? So, मेरा इस पूरे कोर्स को पढ़ाने का मकसद यहाँ पे यही है कि क्लासरूम में जिस तरह से हम एक बोरिंग से माहौल में पढ़ते हैं, वहां पे सामने सब कुछ बोर्ड पे ड्रॉ कर दिया जाता है और ड्राइंग के अंदर वी कांट लुक इनटू इट के है क्या असल में, ऐसा हो क्यों रहा है, तो हम कोशिश करेंगे उन सारी चीजों को हम यहाँ पे विद हेल्प ऑफ एनिमेशन, विद हेल्प ऑफ लाइवली प्रोजेक्ट्स हम उनको देखें, ताकि वो बेसिक डीप कॉन्सेप्ट हमें समझ में आना शुरू हो जाए। एंड वंस यू स्टार्ट रियलाइजिंग कि ये सिर्फ आपके लिए इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए नहीं है, ये आपकी डेली लाइफ में आप बोल रहे हो, आप सुन रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, इवन आप चल रहे हो, एवरीथिंग दैट इज फिजिक्स, वो सब कुछ फिजिक्स है। तो फिजिक्स आपकी लाइफ में उतनी बायोलॉजी इंपॉर्टेंट नहीं है, उतनी केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट नहीं है, जितनी इंपॉर्टेंट आपकी लाइफ में फिजिक्स है। तो दैट्स व्हाई यू हैव टू अंडरस्टैंड इट, क्योंकि इसी ने आपका मेरिट भी ऊपर लेके जाना है और इसी ने आपको डेली लाइफ की चीजें भी समझानी है। सो वील गेट इन टच विद आपके सारे अगले जो सब्जेक्ट्स हैं, सबसे पहले हम इसे शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 12 से, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर मैं आपको जनरल सा व्यू यहाँ पे दे देता हूँ इस वीडियो के अंदर कि हाउ विट गो विद इट। तो आपके सामने यहाँ पे एक डेफिनेशन है, द वे आई वुड टेक दिस, आई वुड कैरी दिस कोर्स इज कि यहाँ पे मैं आपको हर पॉइंट के साथ, हर लाइन के साथ ये लिखवाऊंगा, बताऊंगा जो कि आपको जरूरत होती है कि इनमें से कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शॉर्ट क्वेश्चन है, कौन सा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद हम एक्सरसाइज के पूरे शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, हम पास्ट पेपर्स को पूरा डिस्कस करेंगे, ताकि एक आपका जो वो नंबर लेने वाला जो पार्ट होता है ना, वो तो डेफिनेटली क्लियर होना ही चाहिए। And you would start loving it, जब आपको लगेगा कि yes, physics के अंदर 85/85 marks लेना is not difficult, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपने कुछ पेट चीजों को रटा लगाना होता है, अगर बहुत भी बुरी लगती है तो करना ही पड़ेगा, लेकिन the love would be that कि सिर्फ रटा नहीं लगाना, आपको चीजें समझ आना शुरू हो जाए, and a challenge कि शायद बाद में आप अपना डॉक्टर बनने का ख्याल भी दिल से निकाल दोगे। So, आपके पास यहाँ पे किस तरह से हम चलेंगे, आपके सामने यहाँ पे मैंने चार्जेस शो किए हुए हैं,
लाइक उनको फिगर्स को दिखा के इसके आगे अगर हम चलते हैं तो यूनिट साथ साथ बताए जाएंगे आपको, डेरिवेशंस पूरी यहाँ पे करके दिखाई जाएंगी, एंड दिस इज द ऑल स्टफ जिस तरह से मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ पूरा सब्जेक्ट हम इस तरह से लेके चलेंगे। सो होपफुली यू एंजॉय इट, अगर पसंद आए तो मेरे लिए जरूर दुआ करनी है आप सब लोगों ने, कि मैं आप सबके लिए यहाँ पे दुआ करता रहूंगा। विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।